अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एट सब्जेक्ट हिस्ट्री टॉपिक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। डियर स्टूडेंट्स, हम इस लेसन के दो चार टॉपिक्स पढ़े हैं। अब हमें एक टॉपिक पढ़ना है, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, यानी उन दिनों जो प्लानिंग होती थी डेवलपमेंट की, तो इंडिया ये जो आफ्टर इंडिपेंडेंस तो वो किस तरह से की जाती थी। लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पुअर्टी and building a modern technical and industrial base were among the major objectives of new nation। अब जो नए प्लान्स बनाए जा रहे थे इन ये इंडिपेंडेंस के बाद, तो उसमें इंडिया और इंडियंस जो थे उनको उस पुअर्टी से निकाला जाता था, उस गरीबी से बाहर निकालना था, और उनके लिए जो मॉडर्न टेक्निक्स थे, इंडस्ट्रीज थे, उनको बनाना था, उनको आगे बढ़ाना था। यही ऑब्जेक्टिव्स थे जो न्यू नेशन आने वाला था, डेमोक्रेसी आने वाली थी, उनकी यही उनका ऑब्जेक्टिव, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो यही थे। इन 1950 द गवर्नमेंट सेट अप ए प्लानिंग कमीशन टू हेल्प डिजाइन एंड एग्जीक्यूट सूटेबल पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन 1950 में गवर्नमेंट ने सेटअप किए कुछ प्लानिंग कमीशन को, जो हेल्प करते थे, डिजाइन करते थे, एग्जीक्यूट करते थे कुछ पॉलिसीज को जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होती थी। देयर वर ए ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन व्हाट वी कॉल्ड ए मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। हियर बोथ द स्टेट एंड द प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले इम्पोर्टेंट एंड कम्प्लीमेंट्री रोल्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग जॉब्स। यानी इसके बाद जो एक ब्रॉड एग्रीमेंट किया जाता था, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट से, स्टेट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एक साथ काम करते थे, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल कहा जाता था। तो इस मॉडल को लेकर ये स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर जो थे, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें क्रिएट करते थे, यानी इन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, जॉब्स को जनरेट करने में ये एक साथ लगे रहते। वट स्पेसिफिकली दीज रोल्स वायर टू बी विच इंडस्ट्रीज शुड बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट एंड विच बाय द मार्केट। हाउ टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट वाज टू बी डिफाइनड बाय द प्लानिंग कमीशन। इन सब को जनरेट करने के, इनको एक बैलेंस देने के लिए इस प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था, कि स्टेट एंड गवर्नमेंट जॉब ये जो एक साथ सेक्टर्स काम करते हैं, तो इनकी बैलेंस रखने के लिए। इन 1956 द सेकंड फाइव ईयर प्लान वाज फॉर्मुलेटेड। इसके बाद 1956 में सेकंड फाइव ईयर प्लान बनाया गया। दिस फोकस्ड स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील एंड ऑन द बिल्डिंग ऑफ लॉरीज डैम्स। यानी इसमें ज्यादातर फोकस किया गया किस पे, कि डेवलपमेंट ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज को बढ़ाया गया और लॉरीज डैम्स को बिल्ड किया गया। दीज सेक्टर्स वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। इन सब सेक्टर्स को स्टेट कंट्रोल करता था। दिस फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्री एंड द एफर्ट एट स्टेट रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी वॉज टू गाइड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। यानी ये फोकस इन पे जो इंडस्ट्रीज पे दिया गया था, तो गवर्नमेंट जो उनकी रेगुलर इकोनॉमी होती थी, तो इसको गाइड करने के लिए कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती थी, जो आगे चलकर कुछ फ्यू डिकेड्स पे, यानी नेक्स्ट डिकेड्स में भी चलने वाली थी। दिस अप्रोच हैड मनी स्ट्रांग सपोर्टर्स। तो इस अप्रोच के लिए बहुत सारे स्ट्रांग सपोर्टर्स की जरूरत थी, बट ऑल्सो सम वोकल क्रिटिक्स। सम फेल्ट दैट इट हैड पुट inadequate emphasis on agriculture। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये जो inadequate emphasis है on agriculture, तो ये थी, ये inadequate है। Others argued that it had neglected primary education। कुछ कहते थे कि ये neglect, इससे neglect primary education होगी। Still others believed that it had not taken account of the environmental implications of economic policies। As Mahatma Gandhi's follower Meera Behen wrote in 1949, by science and machinery he mankind may
get huge returns for a time, but ultimately we come in desolation. We have got to study nature's balance and develop our lives within her laws. If we are to survive as a physical healthy and morally decent species. यानी महात्मा गांधी के एक फॉलोवर थी मीरा बहन, जिसने अपनी किताब में लिखा था 1949 में साइंस एंड मशीनरी थी, तो इस बारे में लिखा था कि हम किस तरह से बैलेंस रखेंगे, यानी नेचर की जो बैलेंस होती है, तो इसको पढ़कर उन लॉज को उन फॉलो करके हम अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर हम देखेंगे नेहरू ऑन द 5-year प्लान। Prime Minister Jawaharlal Nehru was a great supporter of the planning process. Yani 5-year plan jo tha, isme Nehru jo the, Jawaharlal Nehru to Prime Minister the, ye great supporter the is planning process ke. He explained the ideals and purposes of planning in a series of letters he wrote to the chief ministers of the different states. To unhone planning banane ke liye, explain karne ke liye, unki purpose ko explain karne ke liye unhone ek series of letters banayi jo har kisi minister ko, different states ke minister ko bheji gayi. In a letter of 22 December 1956 he said that, ek letter mein unhone kaha tha, behind the 5-year plan lies the conception of India's unity and of a mighty cooperative effort of all the peoples of India. We have to remember always that it is not merely the governmental machinery that counts in all this, but even more so the enthusiasm and cooperation of the पीपल। यानी हम जो भी ये कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, तो ये सिर्फ लोगों के लिए है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उन में कोऑपरेशन रखने के लिए। आवर पीपल मस्ट हैव द सेंसेशन ऑफ पार्टनरशिप इन ए माइटी एंटरप्राइज ऑफ बीइंग फेलो ट्रेवलर्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट गोल दैट दे एंड वी हैव सेट बिफोर अस। द प्लान मे बी एंड हैज टू बी बेस्ड ऑन द calculations of economists, statisticians and the like, but figures and statistics very important as they are do not give life to the scheme, that breath of life comes in other ways। yani isi scheme se har koi kisi ki life nahi ban sakti hai, hamare paas aur bhi options hai jinse hum zindagi guzar sakte hain in other ways, and it is for us now to make this plan। तो हमने ये प्लान इसलिए बनाया, इसमें सब कुछ आता था, इस 5-year प्लान में हर किसी चीज पे फोकस किया गया था, विच इज एनरिश एनश्राइनड इन कोल्ड प्रिंट समथिंग लिविंग वाइटल एंड डायनामिक विच कैप्चर्स द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। यानी लोगों के लिए ही ये 5-year प्लान बनाया जाता था, हर किसी स्टेट में इस प्लान से ये प्रोग्रेस बढ़ती थी और लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व की जाती थी। तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे कि इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद कौन से प्रोग्रेस किए गए। थैंक्स।